गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। क्या बात कर रहे थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैं पिछले क्लास का थोड़ा बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने बताया था दो तरीके का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। एक तो रेगुलर होता है, इनरेगुलर होता है। रेगुलर वाले का हमने बताया था कि आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, जिसका अभी हम लोग करने जा रहे हैं रेगुलर। इन रेगुलर के मैंने बताया था आपको दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड, जो कि हम लोग इस पे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपको होमवर्क भी दिया था, आप लोगों ने होमवर्क भेजा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आज हम लोग को कौन सा मेथड करना है? रेगुलर मेथड से क्वेश्चन को करना है। तो देखेंगे रेगुलर मेथड में हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है, इसी को हम लोग को करना है। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है 6 केसेस। अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग को 6 केसेस पढ़ने हैं। इन 6 केसेस के लिए देखिएगा हम लोग कैसे करते हैं, इन 6 केसेस को सॉल्व करना है। इन 6 केसेस के लिए बात करते हैं केस। अब जो रेगुलर ड्रॉइंग है, इसके लिए हमको 6 केसेस पढ़ने हैं, जिसका मैं पढ़ा रहा हूं आपको केस नंबर 1। इन 6 केसेस में पहला केस क्या होगा, अब बात समझिएगा ये कैसे कैसे रेगुलर ड्राइंग होता है, कैसे 6 केसेस होंगे, थोड़ा इधर समझिएगा। हम बात कर रहे थे जैसे मान लीजिए मेरा पूरा साल हो और पार्टनर्स ने अपने डीड में इस बात का डिसाइड किया हो कि जो ड्राइंग करेगा जो पार्टनर, मान लीजिए 3 पार्टनर हो या 1 ही पार्टनर हो, ये माना गया कि फर्म से वो हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग करेगा। तो बताया अगर ये 12 महीने हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने हो, वो हर महीने के स्टार्टिंग में करेगा। पहला यहां पर होगा, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स यहाँ, सेवेंथ यहाँ, एट्थ यहाँ, नाइन्थ यहाँ, टेंथ यहाँ, इलेवेंथ यहाँ, ट्वेल्थ वहाँ। सही है कि नहीं? यानी कि हम बात कर रहे थे कि जो ड्राइंग होगा वो हर महीने के स्टार्टिंग में होगा, और हर महीने के स्टार्टिंग में होगा तो पहला ड्राइंग मेरा यहाँ होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे करके 12 बार ड्राइंग हम लोग कर लेंगे। ऐसे बताइए क्या दूसरा केस भी नहीं बन सकता कि कोई अगर पार्टनर है वो हर महीने के अंत में ड्राइंग करे, यानी हर महीने के अंत मतलब पहला ड्राइंग यहाँ होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा या लास्ट यहाँ होगा। सही है कि नहीं? तीसरा केस बन सकता है मेरे पास कि कोई भी पार्टनर हर महीने के मिडिल में ड्राइंग कर ले, तो 3 केस ये बन गया। ऐसे ये मंथ वाला 3 केस हो गया, तो 3 केस क्वार्टर का भी बनता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, तो हम उस क्वार्टर की बात करते हैं, तो क्वार्टर के लिए भी हमको 3 केसेस पढ़ने हैं। ठीक है, यानी 3 केसेस मंथ के लिए, स्टार्टिंग मिडिल और एंड, और क्वार्टर के लिए स्टार्टिंग मिडिल और एंड। तो उसमें से पहला केस हम मंथ वाला बात करते हैं। इफ drawing made at starting of every month, हर महीने के शुरुआत में drawing करते हैं, कब? हर महीने के starting में। तो formula होता है amount into rate, sorry, अमाउंट इंटू 12th इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5 बाई 12। अब 6.5 आया कैसे, इसको यहां पे मैं करके दिखाता हूं, देखिएगा सर। हमको समझाना है अमाउंट तो पता है कितना ड्रॉइंग करेगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट दिया रहेगा 100 करते हैं, 6.12 इसलिए क्योंकि 12 महीने होते हैं। 6.5 क्यों लिया गया इस बात को मैं बता रहा हूं, यहां समझिएगा, देखिएगा इस पॉइंट में। एक बात बताइए कि अगर जो पहला ड्राइंग होगा हर महीने की स्टार्टिंग में होगा कि नहीं, यानी हर महीने के क्या होगा, स्टार्टिंग में। तो हर महीने की स्टार्टिंग में पहला ड्राइंग कहाँ होगा आप बताइएगा। अगर हमको ऐसे करना पड़े हर महीने के स्टार्टिंग में 10,000 रुपए निकाले, तो हमको 12 बार कैलकुलेशन करना होगा कि नहीं 12 महीने के लिए।
तो इसके लिए बताया गया कि 12 बार ना करो, अगर चार पार्टनर होगा तो 48 टाइम्स करना होगा, जो कि कॉपी में दो तीन पेज लग जाएगा। ऐसा नहीं करना हमको, हमको करना है एक एवरेज होता है, हम लोग एवरेज मेथड यहाँ यूज कर देते, ओपनिंग ड्राइंग प्लस क्लोजिंग ड्राइंग डिवाइडेड बाय टू कर देते। क्या करते हैं, ओपनिंग ड्राइंग मतलब पहला ड्राइंग यानी फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय टू। तो बताइएगा जो पहला ड्राइंग होगा कितने दिन का ब्याज लगेगा, यहां से अगर ड्राइंग करेगा तो यहां तक कितने दिन का ब्याज लगेगा, पूरा पूरा 12 महीने। और लास्ट वाला ड्राइंग ये हर महीने की स्टार्टिंग में, तो लास्ट वाले मंथ का स्टार्टिंग कहां होगा, यहां होगा कि नहीं होगा, ये लास्ट वाले का स्टार्टिंग यहां होगा। तो बताइए यहां से लेके यहां तक कितने दिन का ब्याज, 1 महीने का डिवाइडेड बाय टू, या गया 13/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। सही है ना, 6.5 इसीलिए आया। इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए, ए विड्रॉ 10,000 एट स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ। यहां पे रेट जो दिया है सारे क्वेश्चंस के लिए रेट जो है 12%, सभी क्वेश्चंस के लिए केस के लिए रेट क्या होगा, 12% रहेगा। पहला केस कहता है मिस्टर ए हैं जो विड्रॉ करते हैं 10,000 एट द स्टार्टिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में, अगर हर महीने के शुरुआत में करते तो फार्मूला स्टार्टिंग वाले का क्या है, ये है ना फार्मूला है अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5/12, ठीक है ना। तो बताइए अमाउंट कितना, 10,000 इंटू 12 इंटू रेट कितना है, 12% बाई 100 इंटू 6.5/12 हो गया ना। 12 से 12 कट गया, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, तो बताइए कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 1200 इंटू 6.5। कितना आ जाएगा, 7800 आ जाएगा। ये हो गया आपका केस नंबर 1। कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा है। अगर हम रख सकते हैं यार तो स्टार्टिंग के लिए 6.5 होगा, ऐसे ही यहां से आप देख सकते हैं 6.5 कैसे आया है, इसको मैंने समझाया। अब दूसरा जो केस होता है उसको आप ध्यान दीजिएगा, जो केस नंबर 2 होता है, केस नंबर 2 जो होता है, अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर आप लिख देंगे केस नंबर 2, इधर मैं समझाता हूं देखिएगा। अब क्या होगा, इफ ड्रॉइंग मेड एट एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में ना, तो बात यहां समझिएगा, हर महीने के अंत में फार्मूला होगा अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5/12। अब आपको दिखाऊंगा 5.5 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ये 12 महीने हो गया। आप बताएगा हर महीने के अंत में, तो पहले महीने का अंत कहां होगा, यहां होगा, यानी फर्स्ट ड्रॉइंग यहां होगा, और लास्ट महीने का अंत कहां होगा, यहां होगा, लास्ट महीने का एंड यहां, यानी ये लास्ट हो गया और ये हो गया फर्स्ट आपका। तो बताएगा फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि फर्स्ट फर्स्ट मंथ यहां से लेके यहां तक कितने महीने का ब्याज लगेगा, 1 महीना छोड़ दे 12 में से तो कितना, 11 महीने, प्लस यहां पे ड्रॉइंग किया तो इसी दिन पे कितना हो जाएगा, 0 दिन हो जाएगा बाई टू, ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 5.5। कोई समस्या नहीं है, अगर ये 5.5 आ गया तो ये 5.5 कैसे है, एग्जाम्पल लिखेंगे इसका ही। वी विड्रॉ 10,000 एट एंड ऑफ एवरी मंथ,
हर महीने के अंत में ड्राइंग होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना नहीं है, इसको यहीं देखना है बस। हर महीने के एंड में 10,000 और 12% रेट सबके लिए रहेगा। तो बताओ फार्मूला क्या है, अमाउंट इंटू टर्न इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5 बाई 12। इसको सॉल्व कर सकते हैं, अमाउंट कितना है 10,000 है, 12 है, रेट 12% का है और ये 5.5 बाई 12 हो जाएगा। 12 से क्या हो जाएगा, 12 कट जाएगा, 1 0 दो जीरो, 1 0 दो जीरो कट गया, सही है। फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा आपका 1200 इंटू 5.5, तो हो जाएगा 12 5 60, 6600 कितना आ जाएगा, 6600 आ जाएगा। ये रहा हमारा केस टू। अब देखिए केस नंबर थ्री की अगर हम बात करें तो तीसरा वाला जो केस है वो कैसे देखते हैं इनको। ये थर्ड केस जो होगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको इरेज करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, वीडियो रोक करके वीडियो रोक लीजिएगा, दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिएगा। ये केस नंबर थर्ड देखिएगा, केस नंबर जो थर्ड है उसमें क्या हो सकता है। हर महीने का शुरुआत वाला हो गया, हर महीने का अंत वाला हो गया, हर महीने का बीच वाला हो जाएगा, तो बीच वाले की बात करते हैं। यानी इफ ड्रॉइंग मेड एट मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडिल में, हर महीने के बीच में, तो बात करते हैं बीच के लिए। देखिएगा मिडिल का मतलब हो गया इन दोनों का एवरेज। ओपनिंग वाले का कितना होता है, इसका फार्मूला होगा अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12 हो जाता है। तो बात बताइए 6/12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/12 करते हैं तो हम लोग क्या कर पाएंगे, 6 कैसे है देख लीजिए, 6 लाने के लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 के लिए, बताएगा वो स्टार्टिंग वाले का कितना है 6.5 है, इंड वाले का कितना है 5.5/2, ये हो जाएगा 12/2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो ये 6 आ गया। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे कि सी विड्रॉ 10,000 एट मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए थोड़ा सा, हाँ मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। तो अमाउंट कितना है 10,000 है, इंटू 12 इंटू रेट कितना 12% लेना है, 12% लेना है 6/12, 12 से 12 कट गया, जो दो जीरो कट गया, आ जाएगा आपका 1200 इंटू 6, तो ये जाएगा 7200 का, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन केसेस रहे हमारे किसके, मंथ वाले, किसके केसेस रहे, मंथ वाले केसेस रहे। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, मंथ वाला केसेस। अब हम आपको इसके बाद जो बताने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे कैसा, रेगुलर ड्रॉइंग तो बताएंगे लेकिन किसके लिए, क्वार्टर के लिए बताया जाएगा। तो देखेंगे क्वार्टर के लिए क्या होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम